नजर लगने के डर से हंसना नहीं छोड़ा मैंने, दुनिया के बनाए असूलों को बड़ी बेबाकी से तोड़ा मैंने। जिन्हें लगता था वो हंसाएंगे वो रुलाएंगे मुझे, जिन्हें लगता था वो काबू कर पाएंगे मुझे, दिल में ही रह गई उनकी तमन्ना, क्योंकि इसी वहम के साथ उन्हें छोड़ा मैंने। पर नजर लगने के डर से हंसना नहीं छोड़ा मैंने। रिटन बाय किरण ठाकुर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैंने पिछले व्लॉग में भी आपसे पूछा था कि क्या चल रहा है बाहर और अंदर, सब ठीक है? तो कुछ जवाब मेरे को आए थे कि अंदर काफी तूफान सा रहता है, क्या करना चाहिए। तो ये जो अंदर का तूफान है इसी तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर के तूफान को तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। कैसे कंट्रोल करोगे? कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई इधर से कुछ बोल के जा रहा है, कोई उधर से कुछ बोल के जा रहा है। तो किसी के वर्ड्स को, किसी के एक्शंस को तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, और उसे ही कंट्रोल करने की कोशिश में हम लगे रहते हैं। लेकिन जो अंदर का तूफान है ये नहीं आए, ये हमारे हाथ में है। अंदर शांति बनी रहे ये हमारे हाथ में है। उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस होगी तभी जब आपको कोई बार बार कुछ बोलेगा, कोई एक्शन करेगा, और उन एक्शंस पे आप अपने रिएक्शंस को जितना कंट्रोल कर सकते हो उतना ही अंदर का तूफान शांत रहेगा। बाहर के एक्शंस को आने दीजिए, लेकिन अंदर के रिएक्शंस को कंट्रोल कीजिए। और ये करना उतना मुश्किल नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको किसी जंगल में जाना पड़ेगा। ये सारी प्रैक्टिस जो है वो घर के अंदर ही होती है, इसलिए कहती हूँ योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जब आप ये सब चीजों को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं, नींबू पानी पीजिए, ये सारी चीजें टॉनिक की तरह आपकी लाइफ में काम करती हैं। तो सुबह उठ के एक बार ये सारी चीजें मेरी हो जाएं तो पूरा दिन सेट है। तो आजकल मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, तो मैं कोई इंटेंस वर्कआउट वगैरह फॉलो नहीं कर रही हूँ, सिंपल योग करती हूँ, प्राणायाम किया, उसके बाद थोड़ी देर मेडिटेशन की है, और अब मैं स्टफी को लेके जा रही हूँ वॉक पे। वो ऊपर से चिल्ला रहा है कि मेरा वॉक का टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा चलो दो मिनट में आपके साथ बात करती हूँ, साथ साथ आपके साथ बैठ के ही नींबू पानी पी लेती हूँ और फिर इसको लेके चलती हूँ। चलिए स्टफी को वॉक पे लेके चलते हैं, उसके बाद आके बच्चों को उठाते हैं। उठ जाओ भाई, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है आज की। मैं और स्टफी वॉक से वापस आ चुके हैं। स्टफू बाहर खिड़की के पास बैठा है जैसे कि बहुत ही दुखी होता है इसी पोजीशन में। अलार्म लगाते हैं ये लोग, लेकिन उठना मम्मी की आवाज से। अलार्म लगाने का क्या फायदा? उठ मुसाफिर भोर भई, फिर काहे को सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। आया समझ में कुछ? स्टफू कहता मैं तो अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ, 4 बजे उठाओगे 4 बजे उठ जाऊंगा। स्टफू देख पापा क्या लेके आए हैं। क्या लेके आया तुम? पनीर। पीछे पीछे जाएगा, उसको पता है खत्म नहीं हुआ। बस अब कितना खाएगा? चलो फिनिश। अब तो खत्म हो गया। क्या था? मेरे को भी ऐसे ले लिया मेरे। तेरा ऐसे स्टफी को, स्टफू गुड बॉय, स्टफू ने खाना खा लिया, वाह स्टफी गुड बॉय। वो तो कहता मम्मा मैंने भी खाना खा लिया। तो ये बन रहा है मेरा ब्रेकफास्ट। सबके लिए ब्रेकफास्ट और लंच सुबह ही बना देती हूँ और ख़ुद को फ्री कर लेती हूँ, और अपना ब्रेकफास्ट जस्ट करने से पहले बनाती हूँ। कच्ची सब्जियाँ खाने का ये बेस्ट तरीका है। हल्का सा ऑयल, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के अब सब्जियों को उसमें सॉटे कर लें। और इसी तरह से एक अंडा, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, एक ब्रेड का स्लाइस लिया है। फुल न्यूट्रिशन के साथ एक फुल प्लेट ब्रेकफास्ट, तो कार्ब्स भी हो गए, प्रोटीन भी हो गया, और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ डिलीशियस वेजिटेबल्स, और साथ में विदाउट शुगर मेरी ब्लैक कॉफी। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 12, तो 12 ऑलमोस्ट बजने ही वाले हैं। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है, एस्मिन का हो रहा है लंच, ब्रंच, ओके ब्रंच, और मेरा नाश्ता तो आपने देख लिया, वेजीज हैं, एग है और ब्रेड है, और जैस्मिन खा रही है राजमा और राइस और सलाद। तो यही टाइम होता है हमारे खाना स्टार्ट करने का। ईटिंग विंडो हमारी 12 बजे शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं और जैस्मिन इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट इस टाइम लेती हूँ, और फिर मैं दोपहर को थोड़े से चावल लूँगी, थोड़े से राजमा ले लूँगी साथ में, और जैस्मिन कुछ नहीं खाएगी। तो शाम के टाइम पे
शाम के टाइम पे मैं सिर्फ ग्रीन टी लेती हूँ, अगर मुझे कुछ भूख लगे तो मैं थोड़े से पीनट्स साथ में ले लेती हूँ या मखाना ले लेती हूँ। जैस्मिन इवनिंग स्नैक में दूध लेती है, साथ में वो कुछ सैंडविच वगैरह ले लेती है या एग ब्रेड ले लेती है। आपको हम दोनों फिर डिनर करते हैं 8 बजे से पहले पहले। 3 मील आपको अपने जरूरी है लेना, तो 3 मील हम दोनों ले लेते हैं। थोड़ा सा पैटर्न हमारा डिफरेंट है, उसे 12 बजे अभी ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं है, तो इसीलिए वो ब्रेकफास्ट नहीं करती। वो अपना अच्छे से पेट भर के इस टाइम खा लेती है और फिर अपना जाके शाम को दूध के साथ ही पीछ लेती है। तो मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला था कि इंटरमीटिंग फास्टिंग में जो डाइट प्लान है आपका उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैंने आपको देखो ब्लॉग में ही बड़ा सिंपली बता दिया कि यही पैटर्न है खाने का। बाकी भूख लगती है जब भी आपको, तो आपने स्टार्व नहीं करना है, भूखे नहीं रहना है, आप कुछ ना कुछ खाते रहिए बीच में, जो भी आपका मन करता है। लेकिन अपने 3 मील्स जो है वो कंप्लीट कीजिए, चाहे वो आपके ब्रेकफास्ट लंच डिनर की फॉर्म में हो, चाहे वो आपके ब्रंच इवनिंग स्नैक और डिनर की फॉर्म में। बस यही करते रहना है, भी नहीं है मेरे। देखो अनफैशनेबल कुत्ता मेरा, उठ के चला गया, मैं फास्ट बैठी दो आके। हूं क्या होता है स्टफी? प्यार दे, प्यार कर रहे हैं बच्चे तेरे हमें, प्यार दे। अनअफेक्शनेट डॉग ऑफ द ईयर। जैस्मिन को ये लगता है कि ये स्टफी इसको बिल्कुल प्यार नहीं करता। जैस्मिन को बिल्कुल गलत लगता है, ये स्टफी को बहुत प्यार करता है। बाद में इसलिए तो यहीं पर रहेगा, पूरी बात सुनेगा ध्यान से। तो फिर शुरू होगी जैस्मिन? मैं बंद कब हुई थी जब मैं फिर शुरू? नहीं तो फिर शुरू हो गई है 2-3 दिन से। तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि जैस्मिन को 2-3 दिन पहले एक कीड़े ने फिर से काट लिया है। वो कीड़ा ये कहता है कि मुझे बीगल लेना है। इस कीड़े ने इसको 2-3 साल पहले भी काटा था, तो उसका जहर उतारने के लिए नेहरू ने क्या किया था? एक नया कुत्ता ले आया। ये ले आया अफेक्शनेट सोल इन द वर्ल्ड। तो हम लोग फिर स्टफी को ले आए थे ताकि जैस्मिन का कीड़े का जहर उतारा जा सके, क्योंकि वो बीगल 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 लगी थी। तेरे एक प्यारे भाई के बारे में हम वार्तालाप। शट अप जैस्मिन, शट अप। और कितने दिनों से इसने शोर मचाया है, मेरा सिर दुखने लग गया है ये सुन सुन के कि मुझे बीगल चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस डॉग में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, बताती हूँ अभी लिस्ट। मैं दिखा रहा हूँ, ये डिफेक्टेड पार्ट है इसका। हम सब लोग इसको प्यार कर रहे हैं, दरवाजे के तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। ऐसा नहीं है कि हम इसको प्यार नहीं करते, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है स्ट्रीट डॉग है कुछ भी। बिकॉज डॉग्स होते हैं वो ब्रीड वाले कुत्तों से ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बाहर भी हमारे 3 स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको भी इक्वली ही प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक होता है ना यार, ये चीज चाहिए इसको, बहुत प्यार करते हैं, और इसको इतना बिगाड़ रखा है हमने, वो सब आपको सबको अच्छे से पता है कितना बिगड़ा हुआ है ये। बट द थिंग इज कि ये ना थोड़ा कोल्ड नेचर का है, ऐसा नहीं ये अपने टाइम के हिसाब से प्यार दिखा रहा है। इसको होया कि हम एक खाज कर रहे हैं, इसको मजा आ रहा है, तो ये चिपकेगा आपके साथ आके आपको और पुचकारेगा, उसको सब उठाने भी आएगा, सब करते हैं, पर वो मोमेंट्स बहुत कम होते हैं। जो डॉग लेने की बात मैं कर रही हूँ उसकी नेचर ही ऐसी कि वो फ्रेंडली डॉग है, सारा टाइम आपको जो है वो प्यार करेगा, आपको अफेक्शन दिखाएगा। तो आई वॉन्ट कि एक अफेक्शनेट डॉग हो जो मेरा स्ट्रेस बर्स्ट करे। ये नहीं जब मैं स्ट्रेस बर्स्ट करने जाऊँ तो मैं दूर भागे, तू तो परे हो। क्योंकि मेरी मम्मा जो है वो बहुत ही फ्री रहते हैं, काफी ज्यादा उनके पास टाइम होता है, तो एक डॉग को संभालते संभालते दो हम हैं, उनको भी संभालते संभालते अब एक बीगल भी संभाल सकती है। तो जब हमने स्टफी को लिया था ना, तो हमने ये डिसाइड किया था कि मॉर्निंग वॉक मैं करवाऊंगी और इवनिंग वॉक ये दोनों करवाया करेंगे। तो हुआ क्या कि कुछ दिन तक तो उन्होंने वॉक करवाई, उसके बाद क्या होता है कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन बस मैक्सिमम ये करवाते हैं, उसके बाद 4-4, 5-5 दिन इसको बेचारे को वॉक नहीं मिलती है। इवनिंग वॉक मैं लेके जाऊं तो ले जाऊं, नहीं तो ये बेचारा घर में बैठा रहे। देखो तो आज हम YouTube के सामने पूरा कैमरा पे, ये परमानेंट रहने वाली है मेमोरी, मैंने कोई ऑफर दिया है। तो हम ये डील कर रहे हैं आज, ठीक है, मैं और उदय मिलके ये डील कर रहे हैं मम्मा के साथ कि फॉर 5 months 6 days in a week हम स्टफी को घुमाने लेके जाएंगे। पहली बात तो ये 5 महीने होने ही नहीं वाला, आई एम श्योर कि ये 5 महीने नहीं लेके जा सकते। तो काम होते हैं जेन्युइनली, तो मैं बोल रही हूं, मैं कभी कभी आलस बीच में, नहीं आलस बहुत ज्यादा आता है, काम बहुत कम आते हैं, आलस ज्यादा। हाँ तो मिस्टर उदय प्रताप सिंह भी अब आ गए हैं, तो डील फाइनल कर लेते हैं। इनको बोला अगर 5 महीने तक ये दोनों इवनिंग वॉक करवाते हैं स्टफी को वीक में 6 डेज, और प्लस साथ में और भी एक चीज है, अभी स्टफी गार्डन में पॉटी करता है जो कई बार वो कर देता है, वो भी तुम लोग उठाओगे। ये कैसे नई बातें बीच में ऐड कर रही हो तुम लोग? तो क्यों, जब बीगल आएगा वो छोटा बेबी होगा। नो, जब बीगल आएगा बीच में ऐड, उसकी टर्म्स थी उन्हीं को मारा जाएगा। अब आपको एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, ये एक्स्ट्रा टर्म। अगर बीगल आएगा तो वो भी तो आप पॉटी करेगा ना, छोटे बच्चे को थोड़ा तुम आउटिंग में लेके जाओगे, करेंगे गार्डन में करेगा ना या ऊपर करेगा,
तो फिर वो तो आपको उठानी पड़ेगी, तो उसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस तो दीदी को उठानी पड़ेगी, हमने स्टफी की पॉटियां उठाई हुई है पहले, तो हमें कोई प्रैक्टिस की जरूरत है नहीं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने ऐड मत करो, अपने आप को फ्री करने के। देखो देखो देखो, सिर्फ वॉक की बात है, सिर्फ वॉक ही होगी। चलो ठीक है, तो 5 महीने के लिए डील मैं इनके साथ फाइनल कर रही हूँ कि अगर 5 महीने तक लेके जाते हैं तो 5 महीने के बाद इनको बीगल मिल जाएगा। 5 महीने में या तो इनको ये एहसास हो जाएगा कि ये हमारे बस का काम नहीं है, हम एक डॉग को संभालना ही हमारे लिए मुश्किल है, हम दो को नहीं संभाल पाएंगे, और या फिर ये इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि बीगल को संभालने के लायक हो जाएंगे। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि डॉग ना लिया जाए, मैं ये चाहती हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले तो इनको पता चले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। और क्वेश्चन, अगर हम कहीं बाहर गए हुए हैं फिर तो वो काउंट नहीं होगा। बारिश अगर है और अगर ये बाहर भाग जाता है अपने आप, अगर चोट भी लगी हुई है तब सभी को चोट नहीं लगती, ठीक है। मन नहीं कर रहा था, मैंने सभी को अगर नींद आ रही है बहुत, वो नहीं जाना था तो चलो। बेचारा हमेशा रेडी रहता है घूमने के लिए, और तुम लोग इतनी नाइंसाफी करते हो ना उसके साथ, उसको लेके नहीं जाते। जैस्मिन मेरे को बोल रही थी, मम्मा आप ऐसे मुकर जाओगे तो आप ऐसे करो, पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिख के साइन कर दो नीचे। तो मैंने कहा पीस ऑफ पेपर क्या करेगा, अगर मैं नहीं करूंगी तो तू क्या इस पेपर को उठा के कोर्ट में ले जाएगी, केस कर देगी मेरे खिलाफ। अभी इसको इसीलिए हमने व्लॉग में ये डील फाइनल कर दी है, तो हम ये डील फाइनल करते हैं। आप सभी इस चीज के गवाह हैं, अब ना मैं मुकर सकती हूँ और ना ये अपनी बात से मुकर सकते हैं। एक भी दिन स्किप किया। Also, वैसे तो हमने एक डॉग ने मैंने सोचा हुआ है कब से अपने बीगल का, विच इज मैक्स, बट अगर आपके पास कोई और अच्छे डॉग 5 महीने अभी डॉग नेम्स हैं तो आप प्लीज कमेंट्स में बताना, ठीक है, और हम उसमें से जरूर कंसिडर करेंगे। अगर हमें कोई पसंद आया तो हम आपको शाउट आउट भी देंगे। और वो 5 महीने कितने सालों में कंप्लीट होंगे, क्योंकि ये रीस्टार्ट कितनी बार होगा हमें नहीं पता। मैं इस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, रूल इज रूल। अगर 6 दिन से 1 दिन भी कम हुआ, यानी कि महीने में 26 दिन तो इनको लेके जाना पड़ेगा। अगर 25 दिन भी हुए तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, डील वहां से रीस्टार्ट होगी, ठीक है। ओके डन। तो उदय जिम से आ चुका है आज, सर और मैं थे सर जिम। क्यों बाकी लोग सैटरडे वीकेंड मना रहे हैं लोग? अगर संडे को सर ने बंद ना करा तो मैं संडे को भी जाता। दैट्स ग्रेट। क्या आपका हार्ट 1 सेकंड भी काम करने से रुकता है? अगर उसने 1 मिनट भी छुट्टी ले ली तो काम हो जाता है। बिल्कुल यस। तो और आपका क्या रीजन हुआ कि 5 दिन करेंगे या 4 दिन करेंगे? हाँ हाँ, रोज करो। सर क्या मतलब होता है ये प्यार लिया जा रहा है, खारिश करवाई जाए, खारिश करते रहो तो पूरा दिन ही आपके पास खड़ा रह सकता है। घूमी घूमी जाना तुम्हें चलना है। ये याद आया उसे कि ये जिम से आ चुका है उधर, तो अब मुझे घुमाने लेके जाएगा। बेटा उठो, स्टफी को ना आपने वॉक पे लेके जाना है। हमें पता है। आज अभी सेकंड डे है, 26 × 5 कर लो कितने दिन होते हैं, 130। तेरे साथ इन्होंने बहुत गलत किया है, अब मम्मा बदला ले रही है। जल्दी कर लो फिर आगे नहा के खाना खाते हैं। एवा आ गई। हाँ इसको पता कि वॉक पे जा रहे हैं। बच्चे स्टफी को वॉक पे लेके गए हैं, उसके बाद आके वो शार लेंगे, तब तक चलिए गार्लिक पनीर बना लेते हैं। मम्मा थोड़े दिनों के लिए गांव गए हैं और इतना सारा गार्लिक मुझे पील करके देके गए हैं ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए। गार्लिक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को मैरिनेट करना पड़ेगा, तो दही में डाला है थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक डाला है, हल्दी डाली है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है। पनीर को इसमें कोट करके साइड रख देंगे। इस रेसिपी के लिए हमें डबल तड़का लगाना पड़ेगा, और तड़का पहला जो हम लगाएंगे उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, काली मिर्च के कुछ दाने, 2 लौंग डालेंगे, 3-4 छोटी इलायची, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और साथ ही स्लाइस किए हुए प्याज डाल देंगे, साबुत लहसुन, और ब्राउन होने तक इन्हें पका लेंगे। इसमें कोई भी पाउडर मसाले डालने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े टुकड़ों में कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इस मसाले को हमको ग्राइंड ही करना है। टमाटर थोड़े से गल जाएं तो उठा के साइड रख दीजिए, उसके बाद इसे ग्राइंड कर लीजिए। अब वही पैन में दोबारा ले रही हूँ दूसरी बार तड़का लगाने के लिए, तो इस बार थोड़ा सा ऑयल, साथ ही डाला है जीरा, तेजपत्ता, बिल्कुल बारीक कटे हुए इसमें प्याज डाल दिए हैं। इसमें हम कोई टमाटर नहीं डालेंगे, लेकिन पाउडर मसाले हम इसी में डालेंगे। तो सबसे पहले डाला है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक डाला है, हल्दी डाली है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और जो प्यूरे हमने बना के रखा है पहले से टमाटर और प्याज का, उसको भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, 3-4 मिनट इस ग्रेवी को पका लीजिए। उसके बाद जो मैरिनेटेड पनीर है वो भी हम इसमें डाल देंगे और 3-4 मिनट इसे और पका लेंगे। एलन सीड्स या जिन्हें हम मग्स भी कहते हैं, तो उनको मिक्सर में चला के उसका पाउडर बना दिया, वो भी इसमें डाल दिया। साथ ही आप डाल सकते हैं इसमें मलाई या क्रीम, कुछ भी, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के गार्निश कीजिए और एंजॉय कीजिए। कुलदीप जी आजकल डिनर स्किप कर रहे हैं, मतलब बहुत भूख हो तो खा लेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। एलियंस कॉलिंग फॉर फर्स्ट टाइम, ये बकवास है। अरे वो तो नॉट एलियंस, अरे एलियंस नहीं है, बट वो बोल रहे हैं कि
ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आ रहे, तो लग रहा है कि किसी प्लैनेट पे लाइफ है, कंफर्म कि वो लाइफ है। इट इज जस्ट अ वेवलेंथ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है देन द नॉर्मल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग भी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी जो कैच करती है रेडार्स वो इसे कैच नहीं कर पाए। वर्ल्ड ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया है रेडियो सिग्नल एंटेना, वो यूज करना पड़ा हमें, तो हमें एटलीस्ट पता लगा कि ये सिग्नल आ रहा है। लोफर है उसका नाम जो कैच करता है सबसे स्ट्रॉन्ग, डॉक्टर बेंजामिन पोप जो है उन्होंने ये डिस्कवरी करी है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि एलियंस हैं। दो वेवलेंथ्स मिली है जो नॉर्मल स्पेस की वेवलेंथ्स होती है ना, जो रेडियो सिग्नल होते हैं वो उससे थोड़ा डिफरेंशिएटेड है, वैसी नहीं है जैसे नॉर्मल बिहेवियर होता है स्पेस का, तो डिफरेंट है रेडियो सिग्नल। तो हो सकता है कोई नया प्लैनेट हो या कोई नया स्टार हो, कोई नई तरह की एनर्जी हो, जरूरी नहीं है कि इन लोगों को तो हर चीज के और एलियंस लेके आने होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। मैं बहुत ही आराम से बाय बोलती हूँ, ठीक है, मुझे भागने की जल्दी नहीं है। खत्म करते हैं, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। तो आई होप इनकी बाय इनफ होगी, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तीनों मिट्टी वाली नाक लेके दूर रहियो मेरे से, बाय बोल दो सभी, चलो बाय बोल, ये रखो लड़ता मेरे साथ, ये लड़ रहा है, टीजी रूम टीजी टीजी डेंटा से।